नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी नौटियाल। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ लगातार बने रहिए आरपीएस समाचार पर। खबरें दिखेंगी सच। उन्नाव बिकराल हुई गंगा, कई गांव के नजदीक पहुंचा पानी। ग्रामीणों ने गृहस्थी संभालनी शुरू कर दी है। जिले में घरों में पानी घुसने की आशंका पर ग्रामीणों ने गृहस्थी संभालनी शुरू कर दी है। एसडीएम सदर सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि गुरुवार को छोड़ा गया पानी यहां से पास हो गया है। आज सोमवार शाम से पानी घटने की उम्मीद है। खबर विस्तार से। पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद पिछले चार दिनों से नरोरा से 7.74 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जिले में हालात भयावह हो गया है। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु पार कर गया। कई गांव के नजदीक तक पानी पहुंचने से कई संपर्क मार्ग डूब गए। कटरी क्षेत्र में फसलें जलमग्न हो गई। क्षेत्र में नावें चलने लगी हैं और लोग सुरक्षित स्थानों के लिए पलायन करने लगे हैं। 21 अक्टूबर को नरोरा बांध से 2.04 लाख, 22 अक्टूबर को 2.33 लाख, 23 अक्टूबर को 2.3 लाख और रविवार को 1.34 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से रविवार दोपहर गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु 112 मीटर को पार कर गया। शाम 6 बजे 112.140 रिकॉर्ड किया गया, जो खतरे के निशान 113 मीटर से मात्र 86 सेंटीमीटर ही दूर रह गया है। 12 सेंटीमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से बढ़ रहे जलस्तर के कारण परियर, फतेहपुर चौरासी, गंज मुरादाबाद और बक्सर के कई गांव के संपर्क मार्ग पानी में डूब गए। कई गांव में पानी घुस गया। घरों में पानी घुसने की आशंका पर ग्रामीणों ने गृहस्थी संभालनी शुरू कर दी है। इसके चलते अब बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एसडीएम सदर सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि गुरुवार को छोड़ा गया पानी यहां से पास हो गया है। सोमवार शाम से पानी घटने की उम्मीद है। फतेहपुर चौरासी ब्लॉक की ग्राम पंचायत रुस्तमपुर, उमरपुर, प्रीतम, जाजमऊ, एहतमाली व गैर एहतमाली, गड़ाई, दबोली, समसपुर, अटिया, कबूलपुर के मजरे बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। रविवार को दबोली बाजार के पास ग्राम हिंदूपुर, शहरिया बंगला, ठकठैया, कबूलपुर, भदेहरा, मन्ना नगरी आदि गांव में गंगा का पानी पहुंच गया। ग्राम खैरी निवासी मेड़ेलाल की 7 बीघा व ग्राम पपरिया निवासी राजेश ने गंगा के किनारे ठेके पर दूसरों के खेत लेकर 18 बीघा में बोई गई परवल की फसल भी शामिल है। ग्राम प्रधान लक्ष्मी नारायण, अजीत कुमार, रोशन, प्रियंका सहित बाबा रामोतर, नीरज पांडे आदि ने बताया कि जलस्तर इसी प्रकार बढ़ता रहा तो शेष फसल भी जलमग्न हो जाएगी। गंज मुरादाबाद कटरी के इलाके के भिकारीपुर, पतसिया, भगवंतपुरवा, रतईपुरवा, गढ़ेवा, मितानपुरवा, सिरधरपुर, गहरपुरवा सहित दर्जनों गांव के बाहर धान, सरसों, आलू, करेला आदि फसलें जलमग्न हो गई हैं। परियर के गांव में गंगा नदी के बड़े जलस्तर से प्रभावित हो गए हैं। सदर तहसील के गंगा किनारे बसे माना बंगला, बाबू बंगला, बदनपुरवा, लाल तुपुरवा, पनपथा, दनुकुक हेड़ा, कोलवा, जुड़ा पुरवा, पटियारा, महानंदपुरवा, बेनीपुरवा, टेपरा व त्री आदि गांव के पास पानी पहुंच गया है। राजेश, अजय, गंगा प्रसाद, हेमराज, राजकुमार, सुरेश, नेकराम, लक्ष्मी नारायण आदि की तोराई, लौकी, भिंडी, कद्दू, घुया, धनिया की फसलें डूब गई। सदर तहसीलदार अतुल कुमार ने बताया कि निगरानी के लिए राजस्व निरीक्षक के साथ लेखापालों की टीम लगाई गई है। तहसील बीघापुर के कटरी गांव के गांव लालखेड़ा व गड़ेवा गांव प्रभावित होने लगे हैं। रविवार को एसडीएम बीघापुर अंकित शुक्ला लालखेड़ा गांव पहुंचे। एक मजरे चल्हा के रज्जा रामगोपाल, प्रेम शंकर आदि ग्रामीणों को तिरपाल व खाद्य सामग्री देकर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया।
गढ़ेवा संपर्क मार्ग फिर 20 मीटर कटा। गंगा कटरी क्षेत्र को कानपुर प्रयागराज हाईवे से जोड़ने वाले गढ़ेवा गांव के सामने बने पुल का संपर्क मार्ग गंगा के बड़े जल स्तर की चपेट में आकर फिर 20 मीटर कट गया। लगभग 20 मीटर जगह में आधी डामर रोड गंगा में समा गई है। ग्राम प्रधान बैजनाथ लोधी ने लोगों से आवागमन न करने की अपील की। पुलिस की बैरिकेडिंग को भी सड़क में रखवाया। बाढ़ से गढ़ेवा ग्राम सभा व उसके मजरे साहिबी खेड़ा में किसानों की सैकड़ों बीघे फसल गंगा में डूब गई है। गढ़ेवा निवासी प्रदीप शुक्ला पूर्व प्रधान राजकिशोर सिंह ने बताया कि पानी गांव की ओर बढ़ रहा है। पीडब्ल्यूडी ने पोकलैंड लगाकर मार्ग की मरम्मत शुरू कराई। थाना प्रभारी बारा गुआर राज बहादुर ने पुलिस तैनात कर दी। रिपोर्ट ललित कुमार।